माइक्रोफोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। माइक्रोफोन की दो टाइप्स होती हैं, डायनेमिक माइक्रोफोन्स और कंडेंसर माइक्रोफोन्स। आज की इस वीडियो में हम डायनेमिक माइक्रोफोन्स पर बात करेंगे। ये एक डायनेमिक माइक्रोफोन है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। डायनेमिक माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को यूज करता है। आइए देखते हैं कि डायनेमिक माइक्रोफोन्स के अंदर बेसिकली क्या चल रहा होता है। ये माइक्रोफोन की आउटर कवरिंग होती है जिसे विंड स्क्रीन कहते हैं। ये माइक्रोफोन की मेन बॉडी है। माइक्रोफोन के इस पार्ट को कैप्सूल कहते हैं। साउंड वेव्स कैप्सूल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं। कैप्सूल के तीन अहम कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, डायफ्राम। डायफ्राम माइक्रोफोन्स में इंटर होने वाली साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। डायफ्राम ह्यूमन ईयर्स में मौजूद एयर ड्रम्स की तरह काम करता है। नंबर 2, कॉइल। कॉइल वायर का एक छोटा सा पीस होता है जो डायफ्राम के साथ अटैच्ड होता है। नंबर 3, मैग्नेट। ये कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो आइए इस बात पर फोकस करते हैं कि ये सारे पार्ट्स कैसे काम करते हैं। जैसे ही साउंड वेव्स डायफ्राम को हिट करती हैं तो इससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। इन वाइब्रेशंस की वजह से कॉइल मैग्नेट के गिर्द तेजी से मूव करने लगती है, लिहाजा कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं और स्पीकर की तरफ ट्रांसमिट हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।